पुलिस की निष्क्रियता के चलते चांदपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात्रि चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया और घर में रखे 2 लाख की नकदी व करीब 6 लाख के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए। आपको बताते चले कि मोहल्ला चिम्मन निवासी केशन सैनी अपने दोस्त के साथ नजीराबाद गए थे। घर में कोई नहीं था। जब घर पर वापस लौटे तो मकान के गेट का ताला टूटा देख कर खुश हो गए। घर के अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी। क्या नाम आपका? कहाँ की निवासी हैं आप? गए थे जन्मदिन का मेरा भतीजा का खानपुर जी। दोबारे पास खानपुर आ गया। रात को ताला बंद था, इसके पापा चले गए थे कहीं, तो रात को ताला तोड़ दिया। फिर किसने तोड़ा? अभी बताओ, यू तो किसने नहीं देखा, किसका नाम लूंगा। तो कितना नुकसान है? नुकसान तो हमारा हो गया 7 लाख का। क्या क्या चीज़ गई है? 7.5 लाख का और चीज़ है, जेवर है, मेरी बेटी का भी है और हमने शादी करी थी बेटे की, उसका भी है। और पैसे रखे थे लड़के के, दो लाख रुपए मोबाइल का काम करता है लड़का जी जी। ले गए पुलिस में, तहरीर दे दी आपने? हाँ जी दे। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम नितिन है। कहाँ के निवासी हैं आप? सर मोहल्ला चिम्मन चांदपुर। क्या घटना हुई आज? सर ये कल हम दोपहर को मम्मी और मैं घर से बाहर गए हुए थे मामा के लड़के के बर्थडे में, तो पापा को बोले गए थे कि रहना यहाँ पे, तो पापा भी बोल रहे थे मैं ही बाहर जाऊँगा। तो हमने बोला था कि यहाँ पे चाचा की शॉप है, उन पर चाबी दे देना, आप चले जाना। तो चाबी लेके भी चले गए वो। फिर उन्होंने सुबह आके देखा, सर ये सब हुआ हुआ मिला। क्या हुआ? सर घर में चोरी हो चुकी है, सारा सामान जा चुका है, जेवर जेवर जो भी था और 2 लाख कैश रखा हुआ था, वो भी सब जा चुका है। लगभग कितना नुकसान हुआ? यही समथिंग 7.5 लाख रुपए। क्या इसकी सूचना पुलिस को दे दी आपने? जी। पुलिस क्या कह रही है? कह रहे हैं कि हम करते हैं,